हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी कि जिस चीज़ का सभी छात्रों को इंतज़ार था वो चीज़ अब आ चुकी है, यानी कि जो डेट स्कॉलरशिप की वो एक्सटेंड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि अब छात्र जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, न्यूज़ भी दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप लोगों ने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं किया था, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो हैं यूपी स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहां से ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा कि क्या न्यूज़ है, यानी कि जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड हुई है। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च कर लेना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आप लोग 7 से 8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एंड अदर देन इंटर का जो फॉर्म है वो लॉगिन कर सकते हैं। प्लस आप लोग यहाँ से अपना करेक्शन भी कर सकेंगे, प्लस यहाँ से आप लोग अपने स्टेटस भी देख सकेंगे जैसे ही लिंक जनरेट हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, आपको न्यूज़ दिखाते हैं कि क्या न्यूज़ है, यानी कि जो डेट है वो कब तक एक्सटेंड हुई है और कौन से छात्र उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्लस जो छात्र फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए क्या अपडेट है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं। शुल्क भरपाई के लिए अब 10 तक करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो डेट है वो 10 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हैं। लखनऊ शासन ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पूर्व में अंतिम तिथि 7 नवम्बर थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 7 नवम्बर, मगर अब डेट को एक्सटेंड करा के 10 दिसंबर कर दिया गया है। यानी कि छात्रों ने इतने ज़्यादा रिट्वीट्स करे थे जो हमने ट्वीट किए थे, प्लस छात्रों ने इतनी आवाज उठाई कि फाइनली जो डेट है वो एक्सटेंड होने वाली है, यानी कि जो पोर्टल है वो अब खुलने वाला है ऑफिशियली 1 से 2 दिन के अंदर। यानी कि न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, प्लस यहाँ पे जो अनुमति मिलनी थी जिस पे विचार किया जा रहा था वो अब यहाँ पे अप्रूवल वहाँ पर मिल चुका है। दरअसल इस बार विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश देरी से शुरू होने से विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेजेस के बड़ी संख्या में छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। इन छात्रों की समस्या को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। छात्रों ने भी तिथि बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। इसे देखते हुए शासन ने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम ने बताया कि देशमोत्तर कक्षाओं कक्षा 10 से ऊपर के लिए अंतिम तिथि को 10 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय हो चुका है। पूर्व देशम कक्षा 9 में विश्वविद्यालयों के डेटा को 30 नवंबर तक लॉक करने की सुविधा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कक्षा 10 से ऊपर के जो छात्र हैं उनको जो डेट है वो 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया है, वहीं पर जो कक्षा 9 के छात्र हैं उनको 30 नवंबर तक लॉक करने की सुविधा दी गई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी न्यूज़ में मेंशन कर रखा है कि छात्रों ने सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्वीट्स करे थे, इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि भाई पोर्टल दोबारा से खोलना ही पड़ा। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि पिछले साल 2 साल से ऐसा हो रहा है कि ट्विटर पे जब ट्वीट्स करते हैं स्टूडेंट्स उसके बाद ही पोर्टल खोला जाता है, और इस बार भी ऐसा ही हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अब जो है अपना फॉर्म वो तुरंत फिल कर दिए, इसमें अब आपको देरी नहीं करनी। और जो पोर्टल है वो 1 या 2 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। अब बस 1 या 2 दिन के अंदर जो पोर्टल है वो आपका रजिस्ट्रेशन का दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।